हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? ऐसा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, हमेशा की तरह मैं सुबह सुबह जा रही हूँ। चलिए नाश्ता बनाने के लिए चलते हैं किचन में और देखते हैं आज नाश्ता में क्या बनाती हूँ। ठीक है, तो एक बर्तन में मैंने आटा ले लिया है और इसमें ये कलौंजी और अजवाइन को डाल दिए हैं। अब इसे आटा फिर से गूंथना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने आटे को गूंथ लिया अच्छे से। अब चूल्हे में चढ़ाएंगे कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, इसमें डालेंगे सरसों तेल, डालेंगे ये हरी मिर्च, प्याज, हरी मिर्च आदि को अच्छे से कूट लिया है। ये देखिए, इसे भी डाल देते हैं। प्याज अच्छे से भून चुका है, ये देखिए। और इसमें डालेंगे अब हम लोग सत्तू। किचन से आ चुकी हूँ बाहर और यहाँ पर मुझे तो लोया तैयार हो गई है। अब इसे कटोरी बनाते हैं। कटोरी भी बन गया तो इसमें डालेंगे ये सत्तू। तो ये हमारा देखिए रेडी हो गया। इसी तरह से बाकी सबको भी बना के फिनिश कर लेते हैं। सो फाइनली यहाँ रेडी हो चुकी है सत्तू की लोइयाँ और अब चलते हैं किचन में और रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इतने सारे मैंने लोया तैयार कर लिए हैं। अब जा रही हूँ मैं इन सब की रोटियाँ बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं किचन में। बैंगन चौकी निकाल लिया है, अब रोटियाँ बेलना शुरू करते हैं। जैसे पक चुकी है दोनों तरफ से, तो इसे इसमें अब डालेंगे ऑयल। तो फाइनली ये रोटी भी बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितना सुंदर पराठा बन गया है। तो इसे अब निकाल लेते हैं और इसी तरह से दूसरी रोटी को भी पका लेंगे। तो ये देखिए, रोटी बन के रेडी हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ बाहर अपना नाश्ता लेके। फाइनली मैंने सारी रोटियाँ बना ली और इधर फटाके फूटने शुरू हो गए हैं दिवाली के। और ये देखिए, ये है नाश्ता। तो रोटी और सब्जी मैं ले आई हूँ बाहर और मैं जा रही हूँ अब नाश्ता करने के लिए। जैसे कि ये रोटी कैसी बनी है और कमेंट में बताइए फटाफट। तो मैं भी जा रही हूँ अब नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी तेज भूख लगी है, प्लस तबीयत ख़राब है और दिमाग ख़राब हो रहा है। इस तबीयत ख़राब में तो पागल जैसा लग रहा है। और इधर दिवाली के पटाखे भी फूटने शुरू हो गए हैं पहले ही। चलिए नाश्ता कर लेते हैं।